उस दिन मैं इस तरह परेशान हो गई थी कि अगर मेरे पास मेरी मम्मी या भाई नहीं आते तो शायद मैं, पता नहीं मैं किस जोन में थी क्या। हेलो दोस्तों, मैं जानती हूँ मेरे पोस्ट के बाद आप सब बहुत परेशान हुए और आप लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। आप लोगों के मैसेज के ज़रिए मुझे पूरी इंडिया से मैसेजेस आए कि आप स्ट्रांग बने रहिए, आप स्ट्रांग हैं। हाँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। मैं चाहूँ तो मैं जाकर ऐसे लोगों का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं डिप्रेशन में जाने की वजह सिर्फ ये रही कि मैं अपने एज एन एक्टर अपने आप को बहुत पावरलेस फील कर रही थी, क्योंकि हम एक्टरों को उतनी आज़ादी नहीं है। अगर हम कहीं कुछ रिएक्ट करते हैं तो लोग वहाँ अगर गंदी गंदी बातें लिखते हैं बिना जाने, या तो फिर पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं, और पब्लिसिटी स्टंट का टैग देकर उस बात को दबा दिया जाता है। इसी वजह से शायद कई सारे एक्टर घुटते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बात नहीं बोल पाते हैं। मैं सिर्फ एक्टरों को नहीं कहूँगी, आई थिंक ये हर जगह है। कोई जब अपनी आवाज़ उठाता है तो लोग उसे पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए और भी कई तरीके हैं, अगर करना हो तो। आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, साथ ही साथ पूरी मीडिया ने सपोर्ट किया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैंने पुलिस से बात की, पुलिस का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा है। मैंने FIR के लिए बात की, अभी पुलिस ने उस शख्स को बुलाया है, पुलिस उनसे बातचीत करेगी और कार्रवाई करेगी। और जो वो शख्स हैं वो और उनके लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने भोजपुरी के खिलाफ, अश्लीलता के खिलाफ बातें लिखी हैं। मैंने भोजपुरी की फिल्मों और गानों के बारे में जिक्र नहीं किया है। मैं ये बता दूं कि मेरे पास सबूत हैं, उन्होंने मेरा नाम लिखा है और उन्होंने मुझे टारगेट किया है। और ठीक है, उनका कहना है कि उन्होंने मेरे लिए नहीं लिखा, पर उन्होंने किसी के लिए तो लिखा है, किसी औरत के लिए लिखा है, तो उन्हें ये जवाब ज़रूर देना होगा कि उन्होंने किसके लिए लिखा है। और मेरे पास तो ऐसे भी सबूत हैं जिसमें उन्होंने मेरा नाम लिखा है, मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल किया है, और वो लिख रहे हैं कि उनको कुछ होता है या उनको धमकियां आ रही हैं। तो मैं एक बात बहुत ही साफ शब्दों में कह देना चाहती हूँ कि मैंने अपने दर्द का बयान सिर्फ मुंबई पुलिस को दिया है, पुलिस को किया है, रिक्वेस्ट की है। मैंने और किसी को नहीं कहा कि कोई उन्हें कॉल करें या कुछ। जो भी धमकियाँ या जो भी वो लिख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगी। जो भी वो लोग लिख रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें किन के कॉल जा रहे हैं, किन का क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा उसमें कोई लेना देना है ही नहीं। आई नो, मैं जानती हूँ कि अगर मैंने आवाज़ उठाई है तो मुझे कई लोगों की बातें सुननी होंगी, कई लोग मेरे सपोर्ट में आएंगे, और मुझे इस बात की खुशी है कि 7-8 साल से जब मैं इन बातों पर जिक्र कर रही थी, कई लोगों से मैंने जिक्र किया कि मेरे बारे में बहुत लिखा जा रहा है, मोटी बूढ़ी न जाने और क्या क्या फोटोज़ डाल के लिखा जा रहा है। सबने यही कहा कि उसके बारे में रिएक्ट करने का मतलब है कि उसे पब्लिसिटी देना, उसको पॉपुलर करना। यही सुन सुन के मैं हमेशा चुप रही और मैंने रिएक्ट नहीं किया। पर अब जब मैंने रिएक्ट किया, क्योंकि मैं मेंटली हरास्ड हो रही हूँ इस बात से, और जब मेरी हेल्थ पर बात आ रही है तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो लोगों को पता ही नहीं चला कि इसको हुआ क्यों, ये क्यों गई डिप्रेशन में या क्या हुआ। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए ना, तो ये जिनकी वजह ये लोग हैं, उनके बारे में ज़रूर पता हो सबको। इसीलिए मैंने लिखा। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम अच्छे लोगों के बारे में खुलकर लिखते हैं फेसबुक पर या कहीं पर बात करते हैं, तो हम उन लोगों के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं, उन लोगों के बारे में ये सोचकर क्यों चुप हो जाते हैं कि
इसे पब्लिक सिटी क्यों दें, इसे पॉपुलर क्यों करें? अरे पॉपुलर तो उन्हीं को करना चाहिए ना जो गलत काम कर रहे हैं, जो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। जो वो शख्स है वो कहते हैं कि वो पत्रकार हैं। अगर ये सरकार कहती है कि किसी भी पत्रकार को किसी औरत के बनावट पे, किसी औरत के शरीर पर, किसी औरत की उम्र पर लिखने का पूरा अधिकार है, तो जी फिर तो वो गुनहगार नहीं है, फिर तो गुनहगार हम हुए। सरकार अगर ये कहती है कि सरेआम कोई भी मर्द या औरत किसी को भी बेइज्जती कर सकता है, उसकी बॉडी पर कमेंट कर सकता है, मोटा पतला या जो भी फोटोज़ डाल के लिख सकता है, तो फिर तो हाँ, फिर तो गुनहगार नहीं है वो, गुनहगार तो हम हैं। उस दिन मैं इस तरह परेशान हो गई थी कि अगर मेरे पास मेरी मम्मी या भाई नहीं आते तो शायद मैं, पता नहीं मैं किस जोन में थी, क्या हो गया था मुझे। पर मैं यहाँ सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी, खासकर पूरी मीडिया को, जिन्होंने मेरी बात सुनी, जिन्होंने मेरी बात को महत्व दिया, उन्होंने समझा कि हाँ मैं तकलीफ में हूँ, उन्होंने इसे पब्लिक सिटी स्टंट का टैग नहीं दिया। और मेरी इंडस्ट्री के लोग जो मुझे, जिन्होंने मुझे बहुत पहले से देखा है, वो सब जानते हैं कि मुझे किसी पब्लिक सिटी की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे नाम से पहचान जाते हैं। फिर भी कुछ ऐसे इंडस्ट्री के हमारे लोग हैं जिसे हम दिग्गज कहते हैं, और वो दिग्गज कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं है, जिन्होंने इसे पब्लिसिटी स्टंट का टैग दिया। अब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, हमारी इंडस्ट्री का हाल इसलिए ऐसा हुआ है ना क्योंकि इस तरह के दिग्गजों के हाथ में हमारी इंडस्ट्री है। थैंक यू पूरी मीडिया को, थैंक यू पुलिस जिन्होंने मेरी बात को समझा, और मेरे हाँ मुझे मुझे पुलिस ने डांटा भी कि डिप्रेशन डिप्रेशन क्या है, और समझाया भी मुझे, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस पर कार्रवाई होगी। और देखते हैं, कल बुलाया गया है, अब वो अपने आप को कितना सही साबित करते हैं। मेरे पास मेरे नाम से लिखे हुए जितनी चीज़ें थी सब मैंने पुलिस को दे दी हैं। दोस्तों थैंक यू, ऐसे ही बने रहिए। और मेरे जितने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमारे इंडस्ट्री के हमारे हीरोज़, एक्ट्रेसेस, एक्टर जितने भी हैं, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया, और आगे भी मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, तो कोई भी इंसान डिप्रेशन में नहीं जाएगा और ना ही कोई गलत कदम उठाएगा। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं बहुत जल्द ही वापस लौटूंगी अपने नॉर्मल रूटीन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।